वार्षिक खेल कैलेंडर 2021-22 के अनुसार आदिवासी विकास विभाग के चार क्षेत्र दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की विभागीय राज्य स्तर की स्पर्धा का आयोजन शनिवार को उत्कृष्ट स्कूल परिसर में किया गया। जिला क्रीड़ा आदिवासी विकास ने बताया कि छिंदवाड़ा और डिंडोरी सहित आदिवासी विभाग की स्कूलों के 150 से अधिक बालक बालिकाएं रोप स्किपिंग और डोजबॉल स्पर्धा में हिस्सा लेने पहुंचे। खिलाड़ियों ने पहले दिन जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए आयोजित स्पर्धा में बालक बालिकाओं के खेल में निखार के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। स्पर्धा का समापन रविवार को पुरस्कार के साथ होगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो टूर्नामेंट का आयोजन खेल कैलेंडर जारी किया गया, उसके अनुसार हमारे जिले को पश्चिम क्षेत्रीय पश्चिम जोन की प्रतियोगिता के पश्चात विभागीय राज्य स्तरीय डॉजबॉल और रोप स्केपिंग की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। डॉजबॉल और रोप स्केपिंग में हमारे यहाँ से मध्य पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र के बच्चे सम्मिलित हुए हैं, जिसमें 67 बालक और 67 बालिकाएँ एकत्रित हुई हैं। इसमें डॉजबॉल विधा का सिर्फ जूनियर और सीनियर वर्ग के मैचेस किए करवाए जा रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर आज उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, कल समापन एवं पुरस्कार वितरण है। दक्षिण क्षेत्र में रोप स्किपिंग में हमारे यहाँ छिंदवाड़ा से दल आया है, वहाँ क्षेत्र हुआ था। उसके अलावा डॉजबॉल में डिंडोरी से दल आया है। हमारे आदिवासी जनजाति कार्य विभाग के जो विद्यालय है उनके छात्र छात्रा इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। आदरणीय सहायक आयुक्त जय जामो साहब के मार्गदर्शन में उनकी प्रतियोगिता। क्या नाम है आप? अश्विन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।